हेलो स्टूडेंट्स अवै वेलकम टू अभी जय एडवांस पेपर हुआ और पेपर के हमेशा एज यूजुअल से मिक्स रिव्यूज होते हैं बट ओवरऑल रिव्यू यही है कि पेपर आसान है स्कोरिंग ज्यादा होगी कट ऑफ कहीं ना कहीं 2023 से भी ऊपर जा सकती है उसके बराबर रहेगी जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ थी नाउ आई एल प्रूव टू यू दैट वाई स्कोरिंग कुड गो हाई वाई द पेपर वॉज इजी स्पेशली द मैथ पेपर आई एम जस्ट टेकिंग पेपर वन फॉर एग्जाम्पल पेपर वन में मैच मैथ फॉलोइंग सवाल आए थे है ना मैच दी लिस्ट वाले अब वो लग रहे थे बहुत भयंकर से देखने में और टाइम लगता है कि सर हर ऑप्शन मैच करनी पड़ेगी तो इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग एंड आई हैव रिपीटेटिवली सेड कि भैया मैच लिस्ट एडवांस में काफी सालों से बड़े लॉलीपॉप आ रहे हैं आइए प्रूव करते हैं दैट व्हाई दो वर लॉलीपॉप एंड व्हाई एज अ टीचर वी फील कट ऑफ कुड गो हाई इफ स्टूडेंट्स वर प्रोएक्टिव और उन्होंने स्मार्टली काम करा

फॉलोइंग आसान पे आसान होते जा रहे हैं अच्छा, में, जो आजकल पैटर्न बन रहा है में, दो ऑप्शन ऐसी जहां पर टू ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर टू ठीक है अगर मैं उन दोनों को ही थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर लू आ जाओ ठीक है तो एक काम करते हैं मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूं ठीक है तो माई कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन दीज टू क्यों द प्रोबिलिटी अब मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहा हूं यार अगर पेपर में सिर्फ पी वन ही होता तो वो सॉल्व करेगा और आगे बढ़ जाएगा स्टूडेंट यही थॉट होगा ना तो मैंने क्या करा मैंने कॉन्सेंट्रेशन डाली कि मुझे पी लग रहा है सर वो टू ही होगा दैट इज ट्वेल्व क्या ये अगर मैं प्रूव कर लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अच्छा अगर आप बी और सी में देखो लेट्स गो बैक एंड सी बी एंड सी बी और सी में भी आपकी क्यू और क्यू तो सेम है एस और एस सेम है तो अगर बी और सी में से कोई ऑप्शन था तो सिर्फ आर पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी दैट इज वन टू थ्री आई थिंक वॉट बीन पैटर्न एट इस तरीके की चीजें चेक करी जा रही हैं बहुत ज्यादा तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को शुरू करता हूं अब क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन डरावना लग रहा है आपको सर ये हमें एक्सपेक्टेड था सर वन और ओमेगा होना चाहिए था नहीं है लेट्स भी जबकि हमें क्या था एक्स स्क्स एक्स प्लस, एक प्लस वन होता तो वन और ओमेगा ओमेगा स्क्वा रूट हो जाते थे ना यहां पर कुछ रूट इस तरीके के आ रहे हैं तो टी की वैल्यू आ गई वन प्लस एल्फा प्लस बीटा कुछ इस तरीके से है सर ये कुछ बहुत अजीब सी डेफिनेशन दे रखी थी ए आई वन ए आई थ्री अरे कुछ भी नहीं है सम सम ऑफ ऑफ रो एलिमेंट्स नथिंग इट इज रो आई टू मतलब क्या होगा आई वन 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 टू वन थ्री सिमिलरिटी जो सी है देखो नामकरण भी आसान करा था जेई ने सो दैट यू कैन पिक इट सम ऑफ कॉलम एलिमेंट्स सी कॉलम एलिमेंट्स अब वो तुमसे पूछ रहे है, ऑप्शन क्या थी चलो पी को हमें फिगर आउट करना है पहले सच दैट विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट ऐसा हमें मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सम भी जीरो हो और कॉलम भी जीरो अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं तुम लोगों ने सुडुको टाइप के गेम्स खेले है ना जहां पर रो का और कॉलम का सम सेम बनता है ये कुछ कुछ वैसा नहीं हो गया जस्ट इमेजिन तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं ठीक है ऐसा ले लेते हैं वन एल्फा बीटा अच्छा हम लोगों को ये पता था एक्स स्क्स एक्स प्लस वन दैट इज वे एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन दैट वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र क्या हो जाता जीरो हो जाता अगर मैं तुम्हें यहां कहूं कि ये एल्फा प्लस बीटा कर सकते हो कितना हो रहा है यस यू विल बी सरप्राइज ये कितना हो गया ये जीरो हो गया ना ये वन प्लस एल्फा कितना है अरे माइनस वन है ना सम ऑफ रूट्स उसमें वन ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा अरे मैजिक अब देखते हैं चलो तो अगर मैं फर्स्ट को वन अल्फा बीटा मानता हूं तो इसका सम ऑफ रूट कितना हो गया जीरो फर्स्ट का अब देखना मैंने यहां पर अल्फा कर दिया यहां पर बीटा कर दिया यहां पर वन कर दिया फिर मैंने ऐसी क्या करा यहां पर बीटा कर दिया यहां पर की बार किसकी गुंजाइश है वन की और यहां पर गुंजाइश किसकी है आपके अल्फा की बन गया ये मैट्रिक्स जिसमें सम भी जीरो है कॉलम भी जीरो है क्या था टफ भाई पूछो अब इनसे ये बन गया हाँ या ना अब आप क्या कर सकते हो रीअरेंज भाई आपसे पूछा कितने ये तो एक बनाया मैंने अब आप क्या कह सकते हो सर मैं अगर तीनों रोज को अरेंज कर लू इफ आई जस्ट स्टार्ट अरेंजिंग कितनी रोज हैं थ्री फैक्टोरियल और यही काम मैं क्या कर सकता हूं सर आई कैन अरेंज कॉलम ऑल्सो ट्वेल्व तो इसका आंसर तो ट्वेल्व आ रहा है तो अगर मैं वापस जाता अपने पे तो सर पी टू तो बराबर आ गया तो दैट मीन मैंने जो पहली चीज थी जो वो पहली चीज बोलना चाह रहा था वो मैंने वेरीफाई कर दी पी के लिए क्या क्यू पे जाने की जरूरत है अरे फ्यूटाइल एक्टिविटी है भाई क्यों जाऊंगा ठीक है एस को प्रूव करने की जरूरत है तो देखा जाए जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा था वो बड़ा है ही नहीं वो तो आपसे दो चीजें पूछ रहा है पी भी मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट नहीं करा होगा अगर वो हमसे पढ़े तो उन्होंने कैलकुलेट नहीं करो अब सीधा आ जाते हैं जो हमारा था आर आर जो यहां पर खतरे की घंटी है थोड़ा उसको समझ लेते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था वो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं स्कोर हो सकता है इस बार काफी हाई जाए क्यों समझो स्क्यू सिमेट्रिक वो भी कौन से एलिमेंट देखो यहां पर थोड़ी सी चंडगिरी करने की कोशिश करी गई दे ट्राई टू सम हाउ मेड क्वेश्चनल्ट बट फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने बोला A, I, J, T से होगा टी इज वन एल्फा बीटा जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का है पर कब जब I is greater than J? I greater than J मतलब हुआ ये वाला lower triangular element. अरे कोई नहीं ना क्या दिक्कत है हम अभी मान लेते हैं कि हमें पता है skew symmetric में diagonal element जीरो, और सिर्फ तीन यूनिक एलिमेंट होंगे अगर उनका मॉड की बात करता हूं तो क्यों अगर मैंने ए वन टू लिया तो इसका नेगेटिव होगा इसको लूंगा तो इसका नेगेटिव होगा इसको लिया तो इसका नेगेटिव होगा वेरी वेल क्लियर अब इसमें सिर्फ एक जो तुम्हें समझने वाली बात थी वो ये थी कि माइनस ए वन टू जो मैंने लिया है माइनस ए टू थ्री जो मैंने लिया, है जो लिया, है जो लिया है। ये करते हैं टी को बुलाऊं। टी के डेफिनेशन कंफ्यूज हो गया तो वन एल्फा और बीटा पर इससे फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ तुम्हें डराने और धमकाने के लिए था दैट इज वॉट जे एडवांस डेरी ऑफन तो भाई हमें बोला आगे क्या बोला देखो रीड आउट करते हैं सच देट एम एक्स

या तो सर आप कहोगे गया वन और ये देखा जाए बिल्कुल पोल्स अपार्ट है ये तो और भी अच्छी बात है सर पोल्स अपार्ट मतलब एक निकाल लिया और अगर दो आ गए तुम्हारे सॉल्यूशन दैट मींस आंसर ऑप्शन क्या हो गई सी तो एक तो तुम्हें क्लियरली दिख नहीं रहा यहां पर आप कह रहे हो सर मैं इसको और इसको बराबर करूंगा इसको और इसको बराबर करूंगा और इसको इसको बराबर करूंगा इंडिविजुअली हाँ है ना जल्दी से देख के बताओ क्या आंसर हुआ भाई मैं x और z को ये जो आ रही है ये वाली चीजें ये वाली है ना इसको जीरो ही कर देता हूं ना नहीं आया समझ में अरे भाई मैंने ये कहा माइनस दिस प्लस ए टू थ्री हाँ अब समझ में आ गया बहुत सारे लोगों को तो मैंने कहा ए वन टू एक्स इज इक्वल टू ए टू थ्री जेड होना चाहिए था मैंने सबको ना जीरो बना दिया एक्स और जेड को तो ये बीच वाला एलिमेंट जीरो हो गया और वाई को वन कर दिया आ गया सॉल्यूशन अभी तक इसमें मैंने इस वाले सॉल्यूशन में आई हैव नॉट टेकन अकाउंट उंट वट कुछ थ्री और ए टू थ्री एक सोल्यूशन आ गया कैन आई हैव अनदर सोल्यूशन क्वेश्चन है अगर मेरे पास एक और सोल्यूशन आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आ जाओ देख लेते हैं तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं तीनों को ना एज्यूम कर लेते हैं वन या वन नहीं तो माइनस वन वन नहीं तो माइनस वन क्योंकि हमारा उल्टा चल रहा था वो ठीक है तो अगर आप माइनस वन एज्यूम कर लेते हो तो आपकी ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएंगी है ना समझ में आ रही है बात माइनस वन ले लेना क्योंकि हमें नीचे वाले एलिमेंट्स को लेना था तो ये इक्वेशन बनेगी कम मानी मैंने सारे जो मेरे अल्फाबेट्स थे A1, 2, A1, 3, जो कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन इक्वेशन बन गई सर ये इस वाली सर ये समझ में नहीं आ रही अरे यार अगर ढंग से देखोगे ना तो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है क्यों एक्स इक्वल टू जेड आ रहा है अब देखो इसमें से अगर मैं देखता हूं मैं कहता हूं सर x को ले लो आप वन बाय थ्री तो वन बाय थ्री तो y कितना हो जाएगा वन बनाने के लिए टू बाई थ्री क्या ऐसे और प्रमोटेशन बना सकता हूं सर ऐसे तो आप इनफाइनाइट परमोटेशन बना सकते हो चाहे तो आप इसको एंड से क्रैम रूल से भी सॉल्व कर सकते थे बट ये तो ऑब्वियस है ना इट वॉज ऑब्वियस इसके लिए क्रामर्स रूल में क्यों घुसूंगा खत्म तो आंसर ऑप्शन कौन सी हो गई वापस आओ जिसमें इनफाइनाइट आ रहा है दैट मीनस ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्योरली एनालिटिकल देखा जाए अभी भी मैं कहूंगा पेपर में इतना टफ सोच पाना शायद मुश्किल हो बट यार सॉल्व तो कर ही नहीं रहते हम सॉल्व कहां कर हमने आ जाओ सर ये तो टफ था आसान बताओ ना कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्सटीन फिफ्टींथ और भी आसान है खुद कर लेना एक बार सिक्सटीन फिर से आ जाओ उस क्या करेंगे एलिमिनेशन ये क्वेश्चन नंबर ऑफ पेपर वन वेक्टर थ्री का सवाल फिर से मुझे आप बताओ आप देख के इसमें कौन सी आंसर ऑप्शन को अटैक करना चाहिए भाई पी में अगर मैं यहां पर से ही बात करूं पी में कितनी ऐसी ऑप्शन हैं जो रिपीट हो रही हैं सर थ्री 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 तो यार एक तो हिंट मिल ही नहीं रही थी कि सर इसका मतलब पी को तो थ्री लेके ही अटैक करना पड़ेगा पी को थ्री लेके अटैक करना पड़ेगा दैट्स दी वर्स के सनारियो तो मैंने पी में सॉरी तो मैंने पी में क्या करना शुरू कर दिया P को एज्यूम कर लिया कि पी है दैट मीनस मेरे पास क्या आ गया गामा वन आ गया अब अगर आप गामा वन ले लेते ले हो ना क्वेश्चन लॉलीपॉप है क्वेश्चन लॉलीपॉप है तो मैंने कर लिया P3. अब P3 के बाद भी आगे ऑप्शन देखो फिर से फिर से फिर से फिर से आ जाओ मजेदार है मतलब तुम कहोगे सर क्या मजाक बना दिया आपने जी एडवांस के पेपर का इसमें भी नोटिस करो पी थ्री क्यू फोर क्यू फोर आर वन आर वन एस फाइव अरे बाबा अरे बाबा तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा क्योंकि इन दोनों में सब कुछ सेम है है सिर्फ फर्क क्या एस का हाँ या ना तो अगर मैं ये मान के एज्यूम कर लू कि पी क्यू और आर आर ट्रू एंड इफ आई कैन आइडेंटिफाई की एस मेरा टू या फाइव को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर ऑप्शन हो गया तो मैंने क्या करा क्यू को फोर एज्यूम कर लिया अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो आप क्या कर सकते थे गामा को वन लिया तो DR ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन निकाल लो IJ का क्रॉस है ना वो निकाल के आपको मिल जाता और नॉर्मल वेक्टर आपका ये आ गया तो मैंने कहा Q को मैंने 4 माना R को भी मैंने क्या मान लिया आई अज्यूम इट टू बी 1 और R को R को मैंने क्या अज्यूम कर लिया आई अज्यूम R टू बी 1 तो मेरे पास OR आ गया ये अब मुझे सिर्फ निकालना क्या था उस पॉसिबिलिटी से जहां पर मैंने क्या अज्यूम करा दैट P इज 3 Q इज 4 And I assumed R is 1. तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बची या तो मेरे पास ये ऑप्शन बची एस इनमें से अगर एक भी ठीक हो गई तो आंसर ऑप्शन ठीक नहीं हो जाएगा बस करना क्या था ओ आर डॉट एन कैप ओ आर डॉट एन कैप कितना आ रहा है भाई ये है क्या फोर बाय सिक्स लो जी आंसर आ गया कौन सी ऑप्शन है फाइव सुबह सर आंसर क्या हो गया सी अब आप मुझे ये समझाओ इसके लिए आपको कितना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा और इसके लिए कितनी बहुत भयंकर वेक्टर थ्री की रिक्वायरमेंट थी हमने इंटरसेक्शन तक नहीं निकाला क्वेश्चन बोल रहा था इंटरसेक्शन हमने बिना इंटरसेक्शन के क्वेश्चन सोल्व कर दिया ये वाला आ जाओ सेवनटींथ सर ये कितना घटिया कैलकुलस का सवाल कैलकुलस वैसे ही नहीं समझ में आती तो मैं सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं हमने डन सिक्सटींथ ये उससे भी ज्यादा आसान है क्यों आ जाओ फिर से जब भी ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल आ रहे हैं भैया पता नहीं आगे आए ना जब तक आ रहे हैं जब तक तो फायदा उठाएं। ऑप्शन पे आओ जरा ऑप्शन पे आइए जरा तो अगर मैं देखता हूं मेरी एस की ऑप्शन में देखो इसमें वेरिएशन बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर्स हमने वहां पर फायदा उठाया था जहां रिपीट हो रही थी वे एंट्रीज आर गेटिंग रिपीटेड हमने वहां से शुरुआत करी थी यहां पर जंबलिंग बहुत हो रही है जैसे पी अभी भी क्या है दो ऑप्शंस में पर एस के साथ नोटिस करो आई स्टार्ट विद एस दिस टाइम और एस से क्यों शुरू करूंगा मैं मैं एस से क्यों शुरू करूं सोचो जरा यार एस बन क्या रहा है ए बी सी डी ए बी क्या है ए बी ये जो इतना बड़ा फंक्शन बन रहा है उस सबको तो उसने क्या कर दिया जीरो कर दिया और डी को क्या डाल दिया वन भाई डी ए रहा आपका तो डी को डालना है वन तो आपका नेट फंक्शन क्या बन जाएगा यही बन जाएगा ना नेट फंक्शन डी जीएक्स कर लो बात तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता तो मेरा एच कितना आ रहा है सिर्फ जीएक्स जीएक्स है क्या देख रहे हो जरा लॉलीपॉप फंक्शन देखो जरा जीएक्स हर जगह जीरो जीरो से वन बाय टू में वन माइनस टू एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि कुछ ऐसा फिर यह जाएगा ऐसा और फिर ये ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ हा या ना ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भैया जीरो पे ले रहा है और ये जीरो तो ले ही रहा है मतलब वैल्यू की अगर बात कर रहा हूं मैं तो, ये ऐसा करते यहां से जीरो. तो उसकी रेंज कितनी हो गई एच एक्स फंक्शन की इन दी एस ऑप्शन रेंज कितनी है जीरो से वन वो कौन सी ऑप्शन बोल रही है ऑप्शन फोर तो एस का आंसर क्या हो गया फोर माई oh गॉड ये सिर्फ एक में ही अवेलेबल है दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इन वन खत्म क्वेश्चन ओवर सी आंसर था इसका आप जाके चेक कर लो दैट हाउ इजी द प्रॉब्लम वर तो देखा आपने ये कितना आसान क्वेश्चंस थे सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल माइंडसेट के साथ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकल सकते थे और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे जब पेपर से बाहर निकल रहे हैं तो मिक्स प्रोएक्टिव रहते पेपर में, अगर आप पेपर में जाते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो पेपर में ऐसे सवाल हमेशा मिलते हैं ये तो मैथ था फिजिक्स केमिस्ट्री में और भी आसान सवाल देखने को मिले तो आगे के बच्चे जो हैं जो 2025 जो 2026 में पेपर लिखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू दैट समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप पेपर में उतने हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तभी पेपर सॉल्व होता है इतने आसान से भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट अप्रोच से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं डू लेट मी नो हाउ यू डिड दीज क्वेश्चन एंड डिड यू एंजॉय सॉल्विंग दीस थ्री क्वेश्चन विद मी द वे आई हैव डन लेट मी नो इन है कॉमेंट सेक्शन keep smiling keep working hard and best wishes for 2024 aspirants as well as 2025 aspirants for the next year god bless